जय मिथिला बाबूजी। देखिए आज जो हम बताएंगे आपको कि मॉडल पेपर तो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत ना, आपको हम बताए हुए थे किस तरीके से खरीदना है, ठीक ना। तो वो तो खरीद लेंगे, लेकिन आपको किसी का भी अकाउंट का ले लीजिए, BST का ले लीजिए, इको का ले लीजिए, EPS, मतलब किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक एक चैप्टर 40-50 हो गया, या दो नंबरीय का बात करें तो बहुत ज़्यादा पूछता है। एक एक चैप्टर में आपको 25 गो 30 गो इसी ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन पूछते रहता है पूरा पूरा 30 गो। लेकिन समझिए कि एगो जैसे अकाउंटिंग का ले लेते हैं, अकाउंटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए अकाउंटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला चैप्टर का बात करिए, किसी भी चैप्टर का, अगर मान लीजिए कि पहला चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव है, 46 गो है ना, और ऐसा ऐसा मान लीजिए 46 गो जगह मान लीजिए 40 गो, 40 गो जगह 35 गो मानते हैं हर चैप्टर में, क्या 16 गो चैप्टर है, समझिए कितना ऑब्जेक्टिव हो गया आपको। हम बताए ना ऑब्जेक्टिव की बात करें, 35 गुना 16 560 ऑब्जेक्टिव रहता है, वो भी 100% पूरा का पूरा आपको नहीं टकराते रहता है, ठीक ना। 60-70 100 में नहीं समझिए कि 100 100 गो कुछ इसी से पूछ देगा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, 100 गो इसी से, कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आता है, बनाते रहता है क्वेश्चन, ऐसा हर हर साल होता है बाबू, नया क्वेश्चन आपको दिखने का मिलेगा, हम कुछ झूठ नहीं बोलते। देखिए ऐसे ही नहीं, बिहार बोर्ड का पहला एनिमेशन चैनल और प्रूविंग चैनल है, आपको विश्वास नहीं, हम वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट में दे दिए कि हर साल 2024 में भी हम प्रूफ किए हुए थे, देखिए जितना मेरा हम बताए हुए थे उसमें से देखिए दो नंबरी में कितना आया, 21 गो आया है, जवाब कितना का देना है, 15 गो को देना है, हम बता दिए हैं, और नहीं भी सोच तो आपको कम्युनिटी टैब पे भी दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिए। हम बाबू यही आपको मतलब पहला चैनल जो आपको नंबर लाने के लिए पढ़ाएगा, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी क्या कि कितना, देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव है, हर चैप्टर में कहीं से भी उल्टा लीजिए, इस चैप्टर को उल्टा लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर कहीं से भी उल्टा लीजिए बाबू, समझे। देखिए आपको बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, हर एक चीज़ को पढ़ना मत शुरू कर दीजिए। देखिए इसी का ले लेते हैं, कोई सा चैप्टर उलट जो ना, कितना कितना एगो में देखिए 45, इसमें भी 45, मतलब हर चैप्टर में जो 40-45 30-35 रहता है, ये गुडविल को छोड़ के हर चैप्टर में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और दो नंबरी का भी बात करते बाबू, देख लीजिए दो नंबरी में एक चीज़ आपको जो समझ में, इसमें कितना है दो नंबरी में, 19 गो है, 19 को 20 को ऐसे ही रहता है, हर चैप्टर में रहते रहता है। आपको क्या करना है बाबू कि देखिए जैसे आपको ये पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ रहे हैं, हाँ आप मान लीजिए कोई सा भी है, जैसे कि कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर हो हर बुक में, देखिए लेकिन EPS इको में जो है आपको कम में दिया रहता है, इको में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया रहता है, EPS में बहुत कम दिया रहता है, बहुत कम EPS में दिया रहता है बाबू। मेरे पास EPS का बुक इस मॉडल पर, देखिए EPS में हर चैप्टर में बाबू बहुत कम है, EPS में ये नहीं बोलेगा कि कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ हो, देखिए हर चैप्टर में 10 गो 12 गो ऑब्जेक्टिव इसी ज़्यादा नहीं, तो EPS में आपको डर नहीं लगना चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें सब्जेक्टिव की बहुत कम रहता है, मतलब जितना आपको नंबर के लिए पूछेगा ना उसी हिसाब से आपको मॉडल पेपर भी बनाया है, लेकिन इस सब में हद से ज़्यादा दे दिया है। और अकाउंट और BST में हद से ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि आपको नंबर सॉरी मतलब क्वेश्चन भी उलट फिर करके पूछता है, ये भी याद रखिए कि सेम के सेम क्वेश्चन ही पूछते रहता है, उलट फिर थोड़ा बहुत भी कर देता है अकाउंट में, BST में पूछ भी देता है लेकिन अकाउंट में करता है, ये भी याद रखिए अकाउंट में थोड़ा बहुत करता है, ये सच बात है। आपको कैसे याद करना है सब कुछ का देख लीजिए, आप तो हर दिन तो आपको 40-45 तो नहीं याद करिएगा, एगो सब्जेक्ट में याद करिए कि आज चैप्टर 45 को मान लीजिए ऑब्जेक्टिव याद हो कर लीजिए, समझ भी लिए ऑब्जेक्टिव याद हो कर लीजिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, फिर आप मान लीजिए कि 10 दिन बाद पढ़ने उलटिएगा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो हमको बन गया था पिछले बार, ये तो नहीं बना है, ये तो बन गया था, ये नहीं बना था, ये बन गया है, ये मतलब आपके दिमाग में ही चलते रहेगा कि देखो हम कुछ बहुत बहुत का जवाब जो है पिछले बार दे दिए थे लेकिन इस बार नहीं दे पा रहे हैं, हाँ पिछले बार हमारा सही हो गया था बहुत, इस बार नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास रीजन है क्या कि आपको 45 के 45 ऑब्जेक्टिव हर बार पढ़ना शुरू कर देते, नहीं जैसे मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेल्यूशन इज बॉर्न वाई, मान लीजिए ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर ओनली टू पार्टनर है, इसका आंसर जो मतलब मान लीजिए कि इसका आंसर जो भी हो लेकिन हम बता ही देते हैं ओल्ड पार्टनर होता है, ठीक ओल्ड पार्टनर हुआ, अब मान लीजिए आपसे बन गया ही आपको आप इस पे कुछ नहीं लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे ABC प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर न्यू प्रॉफिट सेम रेशियो विल भी कितना होगा, आंसर है 9:3:4। मान लीजिए आपको किसी कारण बस आपका आंसर नहीं मिला, बनाए एक बार में नहीं मिला तो आप इस पे लिख दीजिएगा ए, फिर समझ बातों को, मान लीजिए आंसर मिल गया 2:3:1 मतलब कहीं से भी मिलता जुलता नहीं मिला है तो आप लिख देंगे ए। आप मान लीजिए फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटेगा कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो, मतलब थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन भी है इसमें से लेकिन एक बार आप सोचे यार थोड़ा बहुत मतलब बता भी दिए, मतलब इस टाइप में आधा जानते आधा नहीं, हाँ तो आपको ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो
घर जाएगा। अब बोलेगा अच्छा हाँ यही होगा याद था, अर्थात तो मतलब थोड़ा बहुत याद है थोड़ा नहीं याद है, इसका मतलब इस पर बी लिख देंगे। मतलब ए बी फॉर्मूला याद अपनाएंगे पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में और कुछ नहीं, कि मतलब कुछ नहीं आता है जिसके बारे में नया क्वेश्चन देखे नहीं बना उसमें ए लिख देंगे, और जिसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत बन रहा है थोड़ा बहुत याद है थोड़ा बहुत भूल रहे उसको बी लिख देंगे। हर पे ऐसे ही करना, मान लीजिए जिसको जो बन गया उसमें कुछ नहीं लिखना है तो दोबारा जो रिवीजन करने लगेंगे बाबू, दोबारा कभी भी रिवीजन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस पे ज़्यादा ध्यान दे देंगे, क्योंकि ये हमसे पिछली बार नहीं बना होता तो याद कर लेंगे बस हो गया, और ये सब तो बने गया था एग्जाम से कुछ दिन पहले बना लेंगे। तो आपको 45 की जगह आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 15-20 ऐसा क्वेश्चन है 15 ही होगा जो नहीं बना, दोबारा हमको देखने का जरूरत है दोबारा वो देख लेंगे बस हो गया। हाँ अब फिर से 45 को हम देखने लगेंगे फिर से 45 मतलब मान लीजिए एक बार रिवीजन करेंगे तो 500 ऑब्जेक्टिव एक दिन में भी नहीं खत्म होगा, 10 दिन पे भी रिवीजन करेंगे तो नहीं होगा कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि 5-5 सब्जेक्ट रहता है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तभी आपका मतलब 90+ आएगा और अच्छे एग्जाम में नंबर आएगा और नहीं ठीक है। आप कुछ नहीं करना, जो बन रहा है ठीक है नहीं बन रहा है तो ये भी लिखो बात खत्म, दोबारा हम देखेंगे उसको, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इसी तरीके से आपको इसका भी बात करें, कोई सा भी सब्जेक्ट है इस सभी मान लीजिए कोई नहीं है जनरल रिजर्व सब नहीं समझ में आया, अच्छा चलो हो ये दे देते हैं फिर भी देते हैं, फिर आपको हम जो इम्पोर्टेंट देंगे इसमें से वही सिर्फ याद करना है, लेकिन एक ना एक बार गो थ्रू होना है कि अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो आप डील कर सकते हैं कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप डील कर सकते हैं कि नहीं, नया नया क्वेश्चन आ रहा था आप उससे डरते हैं कि नहीं कि जनरल रिजर्व क्या था, अच्छा थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं, मतलब इतना तो होगा ना कैपेसिटी आप पे, नंबर तो देना उसका काम होना उसका बाप देगा नंबर, इसलिए आपको एक बार गो थ्रू हो जाएगा, मतलब कि एक ना एक बार पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव तो 100% या सब्जेक्टिव की बात करें जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ हम और सिर्फ दोबारा जो रिवीजन करेंगे इतना ही, और हम जो देंगे सिर्फ उतना ही याद करना है, समझे बात को हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा पेपर मॉडल पेपर ऐसा बात नहीं, मॉडल पेपर सिर्फ पढ़ने नहीं आता बच्चा, मॉडल पेपर जो ले लेता है लेकिन पढ़ने नहीं आता है वहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे भाई हम तो बुक में 10 ही को ऑब्जेक्टिव याद किए, ये तो 45 को ऑब्जेक्टिव है सही में, देखो तो हर साल पूछा भी है ये सब, ये तो किताबों में नहीं दिया हर साल पूछा, बस गया हर साल नहीं पूछा है, देखे देखे गया, मतलब गया तो गया ही रह गया, समझे ना। इस तरीके से आपको नहीं जाना है और आप इस तरीके से पढ़ना ताकि आपको कम ऑब्जेक्टिव लगे या सब्जेक्टिव लगे और आपको अच्छा नंबर ला सकते हैं इन फ्यूचर, 100% आएगा बाबू ठीक ना। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा, थैंक यू सो मच।